जी नमस्ते सभी को। मैंने ही दो वीडियो वो बनाकर डाली थी आपको। मैं भी रघुवेंद्र सर का ही स्टूडेंट हूँ। यहाँ इटली में रहता हूँ, काम करता हूँ। कम से कम मुझे 10-15 साल हो गए। यहाँ 2009 में आया था, तो अब भी मैं उनसे ही सीख रहा हूँ। उनकी वीडियो देख देख कर उनसे पूछता रहता हूँ फ़ोन पर भी। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी भी उनकी हेल्प लें, उनको ज्वाइन कीजिए और उनको शेयर कीजिए, जो किसी की मदद हो सके। जो बच्चे सीखना चाहते हैं सीख कर अपना काम करेंगे। तो इसलिए मेरी तो यही इच्छा है कि आप भी सभी उनसे ही सीखिए, क्योंकि इंडिया में आपको मालूम है कि बहुत से 2 नंबर के लोग भी काम कर रहे हैं, जो सिर्फ पैसा ही बटोरना चाहते हैं आप सभी से, लेकिन अच्छी तरह कोई नहीं सिखाता। लेकिन रघुवेंद्र सर ऐसे नहीं है। मैंने पहली बार, काफ़ी बार मुझे जब ज़रूरत पड़ती थी तो मैं फ़ोन किया, काफ़ी इंस्टीट्यूट में भी, काफ़ी लोगों को जो सिखा रहे हैं, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने यही कहा कि आप आइए, यहाँ आइए और ज्वाइन कीजिए, फिर बताएंगे। अगर हमने 5 मिनट के लिए किसी से पूछना है तो यहाँ से तो आ नहीं रहे, वहाँ इंडिया में जाने से रहे। इसलिए फिर मेरी सर से बात हुई, तो इन्होंने काफ़ी टाइम मुझे दिया। और मैंने एक बार नहीं, फिर तो मैंने काफ़ी बार, आज भी उनसे बात हुई, होती रहती है। तो मुझे फ़ोन पर भी जो मुझे मेरी प्रॉब्लम है सॉल्व करवा देते हैं। तो वीडियो देख कर भी मैं करता हूँ। आप भी जानते हैं कि जैसे सर ने वीडियो, सभी छोटी छोटी बातों की भी वीडियो डाली हुई है। ऐसे कोई नहीं डालता कि कोई भी ऑनलाइन ना सीख सके, इंस्टीट्यूट में आए। लेकिन इन्होंने नहीं, इन्होंने सभी वीडियो अच्छी तरह से, टोटल ही सब कुछ डाला हुआ है, सॉफ्टवेयर का भी सब कुछ ही। फिर भी लेकिन आपको कोई ना कोई गुरु तो ज्वाइन करना ही पड़ता है, और आपने परफेक्ट बनना है। जैसे मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। तो जैसे डबल डेकर आईसी में मुझे प्रॉब्लम आती है, इसलिए अभी मैं उनको ऑनलाइन ज्वाइन करूँगा। जब कभी इंडिया आया तो तब उनसे मिलूँगा। इंस्टीट्यूट में 1-2 वीक लगा के आऊँगा उनके पास। जो मेरे में कमी है वो निकालूंगा। तो उनको मिलकर जरूर आऊँगा। अच्छे इंसान हैं बहुत ज़्यादा, मैंने कोई भी नहीं देखा। नहीं तो वो अपने बिजनेस का ही सोचते हैं सभी, कि यहाँ आए ज्वाइन करें, लेकिन वो ऐसे नहीं है। अगर आप फ़ोन पर भी उनसे बात करेंगे तो आपको बता देंगे, वो ऐसे नहीं है। वो लोगों की एक तरह से देखा जाए तो मदद ही कर रहे हैं बच्चों की, कि कोई भी बच्चा अच्छे से सीख के अपना काम चलाए। और आप देखिए यहाँ पर भी सभी सेटअप रखे हुए हैं। ये देखिए जो भी घर पर ज़रूरत पड़ती है उसके लिए, ये देखिए कैपेसिटर वगैरह सभी कुछ रखा हुआ है, पीसीबी, जो भी चाहिए। बच्चों के खिलौनों में, टॉय में रिपेयर करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। घर पर लाइट ख़राब हो जाती है तो उसके लिए, ये देखिए लेड रखे हुए हैं बल्ब, ये पीसीबी रखी हुई हैं बल्बों की। ये देखिए सारा सेटअप धीरे धीरे, जो जो ज़रूरत थी उसको ऑनलाइन मंगवाते गए तो ऐसे सारा जमा हो गया। ये देखो ये सभी वहाँ भी पड़े हुए हैं जो आपको पहले दिखाए थे, लिक्विड पेस्ट वगैरह ये भी पड़े हुए हैं सभी। ये पेस्ट ये देखिए इंडिया से मंगवाए हुए हैं, यहाँ ऑनलाइन पर लिए गए हैं। ये सभी ये देखिए चाइनीज़ हैं। इसके नीचे भी ये देखिए सभी ये पेस्ट अच्छे से अच्छा भी मंगवाया हुआ है, जो जो अच्छा रहा तो यूज़ कर लिया कर लेते हैं। ये देखिए ये वायर है जो सोल्डरिंग के काम में आती है सफाई के लिए। ये भी फ्लक्स है जो फॉग बनाता है, फ्लक्स उसमें भी यूज़ करते हैं। ये देखिए ये रखी हुई है यहाँ पर पेस्ट सभी, ये सोल्डरिंग वायर रखी हुई है मंगवा करके। ये देखिए ये इंडिया से मंगवाई थी सोल्डरिंग वायर 2 डब्बी, ये यहाँ पर ऑनलाइन ली हुई है सभी। ये मेरा सारा सेटअप है। ये देखिए रिलाइफ की लीड फ्री जो पेस्ट होता है पीसीबी में लगाने के लिए, वो सभी रखे हुए हैं। ये देखिए मेरे पास तो कम से कम 5 साल 6 साल का प्रोडक्ट पड़ा हुआ है।
अपने शौक के लिए ही मैंने सब कुछ लिया हुआ है, शौकिया तौर पर काम करता हूँ मैं। वैसे रिपेयर की जॉब नहीं है मेरी, वैसे ही घर पर ही सेटअप किया हुआ है। ये देखिए ऊपर सभी सामान लगा पड़ा हुआ है, ये मेरा सेटअप है, ये सभी, ये देखिए। एक वीडियो फिर लंबी हो जाती है इसलिए दूसरी वीडियो बना दी, ये देखिए। सब कुछ ये देखिए, ये स्लीव हैं जो वायर के ऊपर हम करते हैं टेप की जगह पर, ये देखिए। ये सारा मेरा सेटअप है यहाँ पर कमरे में। एक ये सारे पीसीबी क्लीनर है, थिनर, वहाँ वो शायद आपको दिख रहे हैं ऊपर रखे हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये जो तीन डिब्बे थोड़े थोड़े से आपको दिखाई दे रहे हैं ना पड़े हुए ऊपर, वो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, 50 यूरो के आए थे तीन डिब्बे ये पीसीबी क्लीनर के। ये देखिए इस बैग में लैपटॉप का सारा है, यहाँ पर स्क्रैप पड़ी हुई है, ये देखिए पीसीबी बोर्ड रखे हुए हैं यहाँ पर सभी, ये देखिए स्क्रैप रखी हुई है सारी ऐसे हैं, ये देखिए ये भी सभी पीसीबी बोर्ड रखे हुए हैं स्क्रैप के। देखिए टीवी के सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पर, तो आप भी हेल्प लीजिए रघुवेंद्र सर की, उनको ज्वाइन कीजिए और अच्छे से सीखिए और अपना काम कीजिए। ये देखिए वो अब भी सिखा रहे हैं, सब कुछ तो उन्होंने ऑनलाइन ही डाल दिया बच्चों के लिए। जैसे मेरे से अभी मेरे में काफ़ी कमी है सॉफ्टवेयर के लिए, और डबल डेकर आईसी को मुझसे दिक्कत आती है, इसलिए मैं अभी उनको ऑनलाइन ज्वाइन करूंगा तो अपनी कमी को दूर करूंगा। तो आप भी उनको ज्वाइन कीजिए, अच्छे से सीखिए। ओके थैंक यू, बाय। हाँ जी नमस्ते सर, ये देखिए यहाँ पर भी सभी सेटअप रखे हुए हैं। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है चार्जिंग आईसी, हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आता है, जो भी घर पर ज़रूरत पड़ती है उसके लिए, ये देखिए कैपेसिटर वगैरह सभी कुछ रखा हुआ है, पीसीबी, जो भी चाहिए बच्चों के खिलौनों में, टॉय में रिपेयर करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, घर पर लाइट ख़राब हो जाती है तो उसके लिए, ये देखिए लेड रखे हुए हैं बल्ब, ये पीसीबी रखी हुई हैं बल्बों की, ये देखिए सारा सेटअप। धीरे धीरे जो जो ज़रूरत थी उसको ऑनलाइन मंगवाते गए तो ऐसे सारा जमा हो गया। ये देखो ये सभी वहाँ भी पड़े हुए हैं जो आपको पहले दिखाए थे, लिक्विड पेस्ट वगैरह ये भी पड़े हुए हैं सभी, ये पेस्ट, ये देखिए इंडिया से मंगवाए हुए हैं, यहाँ ऑनलाइन पर लिए गए हैं ये सभी, ये देखिए चाइनीज हैं। इसके नीचे भी ये देखिए सभी, ये पेस्ट अच्छे से अच्छा भी मंगवाया हुआ है, जो अच्छा था तो यूज़ कर लिया कर लेते हैं। ये देखिए ये वायर है जो सोल्डरिंग के काम में आती है सफाई के लिए, ये भी फ्लक्स है जो फॉग बनाता है फ्लक्स, उसमें भी यूज़ करते हैं। ये देखिए ये रखी हुई है यहाँ पर पेस्ट सभी, ये सोल्डरिंग वायर रखी हुई है मंगवा करके, ये देखिए ये इंडिया से मंगवाई थी सोल्डरिंग वायर दो डब्बी, ये यहाँ पर ऑनलाइन ली हुई है सभी। ये मेरा सारा सेटअप है, ये देखिए रिलाइफ की लीड फ्री जो पेस्ट होता है पीसीबी में लगाने के लिए, वो सभी रखे हुए हैं। ये देखिए मेरे पास तो कम से कम 5 साल 6 साल का प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, अपने शौक के लिए ही मैंने सब कुछ लिया हुआ है, शौकिया तौर पर काम करता हूँ मैं। वैसे रिपेयर की जॉब नहीं है मेरी, वैसे ही घर पर ही सेटअप किया हुआ है। ये देखिए ऊपर सभी सामान लगा पड़ा हुआ है, ये मेरा सेटअप है, ये सभी, ये देखिए। एक वीडियो फिर लंबी हो जाती है इसलिए दूसरी वीडियो बना दी, ये देखिए सब कुछ।
ये देखिए, ये स्लीव हैं जो वायर के ऊपर हम करते हैं टेप की जगह पर। ये देखिए, ये सारा मेरा सेटअप है यहाँ पर कमरे में। एक ये सारे पीसीबी क्लीनर है, थिनर, वहाँ वो शायद आपको दिख रहे हैं ऊपर रखे हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये जो तीन डिब्बे थोड़े थोड़े से आपको दिखाई दे रहे हैं ना पड़े हुए ऊपर, वो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, 50 यूरो के आए थे तीन डिब्बे ये पीसीबी क्लीनर के। ये देखिए, इस बैग में लैपटॉप का सारा है। यहाँ पर स्क्रैप पड़ी हुई है, ये देखिए पीसीबी बोर्ड रखे हुए हैं यहाँ पर सभी। ये देखिए स्क्रैप रखी हुई है सारी ऐसे हैं। ये देखिए, ये भी सभी पीसीबी बोर्ड रखे हुए हैं स्क्रैप के। देखिए टीवी के सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पर। तो आप भी हेल्प लीजिए रघुवेंद्र सर की, उनको ज्वाइन कीजिए और अच्छे से सीखिए और अपना काम कीजिए। ये देखिए वो अब भी सिखा रहे हैं, सब कुछ तो उन्होंने ऑनलाइन ही डाल दिया बच्चों के लिए। जैसे मेरे से अभी मेरे में काफ़ी कमी है सॉफ्टवेयर के लिए, और डबल डेकर आईसी को मुझसे दिक्कत आती है, इसलिए मैं अभी उनको ऑनलाइन ज्वाइन करूंगा तो अपनी कमी को दूर करूंगा। तो आप भी उनको ज्वाइन कीजिए, अच्छे से सीखिए। ओके, थैंक यू। ये सहायता कर रहे, अच्छे इंसान है, आप भी उनको ज्वाइन कीजिए। ओके, बाय।